तो देख पा रहे कितने आसानी से मक्खन की तरह ये चल रहा है। चलिए इसको टाइट भी करते हैं। देख पा रहे हैं मेरे पास एक गियर मोटर है और ये 150 RPM का मोटर है और 12 वोल्ट में ये रन करता है फ्रेंड। बड़ी शानदार इसमें आपका पावर मिलता है। और ये मेरे पास एक सिंगल सेल है 1200 mAh का, मैं इससे इसको रन कराऊंगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इस तरह का मैं एक PVC पाइप को कट कर लूँगा। देख पा रहे हैं मेरे पास एक लिमिट स्विच है, मैं इस तरह से इसको स्विच को इस जगह में सेट करके लगाऊंगा। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो देख पा रहे हैं मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है, इस स्विच को लगाने के लिए बड़ी आसानी से लग जा रहा है। अब मैं ऐसा एक गोल PVC पाइप से काट के रखा हूँ इस तरह लगाने के लिए। तो मेरे पास एक स्विच है, 2-pole स्विच है इस तरह से, मैं इसको इस जगह में फिट करूँगा। मैंने इस तरह से होल कर लिया, अब बड़ी आसानी से यहाँ पर फिट हो जा रहा है। अब मैं ये चार्जिंग जो मॉड्यूल है मेरे हाथ में उसको भी इस जगह में फिट करेंगे, तो इसका एक होल बना लेते हैं। देख पा रहे मैंने इस तरह से होल कर दिया, अब ये आसानी से यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो चलिए सबको फिट करते हैं। इस तरह से मैंने इसको फिट कर लिया है, ग्लू गन की सहायता से मैंने इसको चिपका लिया है, देख पा रहे हैं इस तरह से। चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। और ये जो मैंने एक होल किया है इससे मेरा चार्जिंग का लाइट को दिखाएगा। क्रॉस कनेक्शन होगा इस तरह से, यहाँ से ये लेग से इस लास्ट वाला लेग का जो दूसरा पॉइंट है इसमें होगा फर्स्ट वाला लेग से, और ये लास्ट वाला लेग से सेकेंड वाला लेग के दूसरा में कनेक्शन होगा इस तरह से। तो देख लीजिए फ्रेंड किस तरह से मैंने वायर को जोड़ा है, इस पॉइंट से क्रॉस कनेक्शन करके कर दिए हैं दोनों तरफ से। ये जो बीच वाला वायर है ब्लैक और रेड, ये बैटरी का वायर है, और इस साइड से या फिर इस साइड से आप कहीं से भी मोटर का वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए कनेक्शन आगे बढ़ाते हैं। ये तो देख पा रहे मेरे हाथ में एक बूस्टर मॉड्यूल है जो आपको 3.7 वोल्ट से 12 वोल्ट करके देगा। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो देख पा रहे मैंने इस तरह से कनेक्शन कर दिया है ये स्विच से बूस्टर मॉड्यूल में, और ये जो इनपुट है इसमें मैं 3.7 वोल्ट का बैटरी वायर को जोड़ूंगा। तो अब मैं मोटर का वायर को लंबा कर लिया हूँ, इस तरह से इस होल में डाल लूंगा इस तरह से, यहाँ से मैं काट लूंगा। अब इसको अंदर में इस तरह से डालूंगा। देख पा रहे इस तरह से मैंने इसको डाल लिया है, अब इसका वायर भी इधर से निकल गया है। चलिए इसे आगे कनेक्शन करते हैं। अब मैं एक वायर को स्विच का जो वायर है वो मैं बूस्टर मॉड्यूल में जोड़ लूंगा। तो देख पा रहे मैंने स्विच का जो एक वायर है वो बूस्टर मॉड्यूल में जोड़ दिया है, और जो दूसरा वायर है वो मैं बैटरी पे जोड़ूंगा। तो चलिए दूसरा वायर को बैटरी का पॉजिटिव में जोड़ देते हैं। तो बैटरी का पॉजिटिव में दूसरा वायर को मैंने जोड़ दिया है। अब ये जो दो मोटर का वायर इसको भी कनेक्शन कर लेते हैं। एक बार मैंने इस तरह से नेगेटिव वायर को निकाल लिया बैटरी का, अब मैं ये जो नेगेटिव है इसमें जोड़ूंगा इनपुट का बूस्टर मॉड्यूल में। तो देख पा रहे मैंने बूस्टर मॉड्यूल में इस तरह से जोड़ दिया इनपुट का वायर को, अब मैं टेस्टिंग करके देखता हूँ। तो देख पा रहे किस तरह से वर्क कर रहा है। अब फ्रेंड मैं ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसका मैं वायर को बैटरी में जोड़ दूंगा। देख पा रहे मैंने इस तरह से चार्जिंग का जो दो वायर है उसको मैंने निकाल दिया, बैटरी में जोड़ दूंगा। अब चलिए इसको सब टेप कर देंगे, उसके बाद अंदर में डाल लेंगे। देख पा रहे मैंने इस तरह से टेप कर लिया, चलिए इसको अंदर में डाल लेते हैं।
तो चलिए फ्रेंड ये सबको फेविक्विक से चिपका लेंगे अच्छी तरह से। देख पा रहे इस तरह का मेरे पास स्क्रू ड्राइवर था तो मैंने इसका आगे का भाग को निकाल लिया है। अब ये जो भाग है मैं इस जगह में फिट कर दूंगा इस तरह से, तो इसको भी मैं चिपका लूंगा फ्रेंड। तो देख पा रहे इस तरह से मैंने फेविक्विक से चिपका लिया है। अब जब ये बटन दबाएंगे तो इस तरह से मूवमेंट करेगा। अब ये जो स्विच है इसको मैं इस साइड में कर दूंगा, तो देख पा रहे ये दूसरे अपोजिट में घूम रहा है। अब ये स्विच को मैं इधर से कर दूंगा, तो देख पा रहे इधर से घूम रहा है फ्रेंड। ये जो स्क्रू ड्राइवर का टूल है ये बड़ी आसानी से यहाँ पर लग जाता है इस तरह से। इसका टेस्टिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसके पहले देख पा रहे इस तरह से मैंने पीवीसी पाइप को काट के गोल कर लिए हैं, यहाँ पर मैं लगा दूंगा इस तरह से। और ये जो नट है नट को मैं यहाँ पर फंसा लूंगा। और मेरे पास एक ढक्कन था, इस तरह से मैंने होल कर लिया है, उसको यहाँ पर मैं लगा दूंगा इस तरह से। तो देख पा रहे इस तरह से मैंने फेविक्विक की सहायता से इसको चिपका दिया है। तो देख पा रहे इस तरह से इसको घुमा के टाइट या ढीला कर सकते हैं इस तरह से। अब ये छोटा सा ढक्कन का टुकड़ा है, मैं इसको इस जगह में फिट कर दूंगा ताकि अच्छा दिखेगा। तो देख पा रहे मैंने इस तरह से इसको चिपका लिया है, अब बड़ी आसानी से घूम रहा है और डिजाइन भी मस्त दिख रहा है इसका। तो चलिए मेरे पास एक स्प्रे पेंट है, तो इस तरह से मैं कलर कर लूंगा। तो देख पा रहे फ्रेंड मैंने किस तरह से इसको कलर करके चमका दिया है, देख पा रहे हैं। तो चलिए इसका कुछ टेस्टिंग करते हैं, इसको चार्ज करके दिखाते हैं फ्रेंड। देख पा रहे यहाँ पर रेड लाइट जल रहा है, फुल चार्ज होने पर ये ब्लू लाइट जल जाएगा फ्रेंड। तो देख पा रहे मेरे पास ये ग्लू गन है, इसको मैंने आज तक कभी खोला नहीं है, तो इसके लिए ये बीट मैंने इसको खोलने के लिए लाए हैं, तो इसको चलिए खोल के देखते हैं। देख पा रहे किस तरह से कितनी आसानी से खुल जा रहा है, चलिए इसको टाइट भी करते हैं फ्रेंड। देख पा रहे कितने आसानी से मक्खन की तरह ये चल रहा है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।